ये कहानी है एक अनजान शहर की, जिसमें विक्टर वॉन डॉट नाम का एक लड़का रहा करता था। विक्टर के माँ बाप बहुत बड़े फिश मर्चेंट थे, उनके पास पैसे की कोई कमी ना थी। उसी शहर में एक विक्टोरिया एबरग्लोट नाम की लड़की भी रहा करती थी, जिसके माँ बाप वैसे तो बहुत गरीब थे, लेकिन रहा ऐसे करते थे जैसे उनसे बड़ा रईस कोई और ना हो। वो चाहते थे समाज में उनका भी स्टैंडर्ड ऊंचा हो, और यही सोचकर वो अपनी बेटी विक्टोरिया की शादी विक्टर से तय कर देते हैं, ताकि समाज में उनकी इज्जत भी बढ़े और पैसा भी। शादी के एक दिन पहले विक्टर अपने माँ बाप के साथ विक्टोरिया के घर आता है, क्योंकि विक्टोरिया के माँ बाप चाहते हैं शादी से पहले एक बार शादी की रिहर्सल कर ली जाए, ताकि शादी वाले दिन किसी तरह की परेशानी ना हो। और यही विक्टर और विक्टोरिया एक दूसरे को पहली बार देखते हैं और दोनों को प्यार हो जाता है। चर्च में रिहर्सल के समय विक्टर नर्वस हो जाता है, और जो वचन विक्टर को विक्टोरिया को देने थे वो उन्हें बोल ही नहीं पाता, और इसी हड़बड़ाहट में वो गलती से विक्टोरिया की माँ की ड्रेस में आग लगा देता है और घबराकर जंगल की तरफ भाग जाता है, जहाँ वो एक बार फिर से शादी की रिहर्सल करता है और शादी की अंगूठी एक ऊपर की ओर उभरी हुई जड़ को पहना देता है। लेकिन ना जाने कैसे वो जड़ एक मरी हुई लड़की की उंगली में बदल जाती है, और कब्र में से एक मुर्दा दुल्हन बाहर निकलती है, जिसका नाम एमिली था। वो विक्टर को बताती है कि अब वो उसकी वाइफ है। विक्टर ये सुनकर बुरी तरह से डर जाता है और वहां से भागता है, लेकिन एमिली उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद वो विक्टर को किस करती है, और डर के कारण विक्टर बेहोश हो जाता है। जब विक्टर को होश आता है तो वो देखता है एमिली उसको लैंड ऑफ द डेड लेकर आई थी, जो कि पताल में था, और इस जगह अनगिनत मुर्दे थे। इसी दौरान विक्टर को पता चलता है कई सालों पहले एमिली एक लड़के से प्यार करती थी, और उससे शादी करने के लिए एमिली एक रात अपने घर से जवाहरात चुराकर भाग गई, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया और एमिली का खून करके जवाहरात लेकर भाग गया। और उसी दिन एमिली ने कसम खाई कि वो उसी पेड़ के नीचे जहां उसका मर्डर हुआ था अपने सच्चे प्यार का इंतजार करेगी, और तभी उस कब्र से बाहर आएगी जब कोई उससे सच्चे प्यार का इजहार करेगा। ये सब जानने के बाद विक्टर को एमिली के लिए बुरा तो जरूर लगता है, लेकिन वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि उसको घर जाना होगा, लेकिन एमिली कहती है कि अब यही उसका घर है। जिसके बाद वो विक्टर को एक वेडिंग गिफ्ट देती है, जिसके अंदर एक मुर्दा डॉग का ढांचा होता है। डॉग के कॉलर को देखकर विक्टर उसे पहचान लेता है कि ये स्क्रैप है, जो कभी विक्टर का ही डॉग था। विक्टर स्क्रैप से मिलकर काफी खुश होता है और एमिली से बातें करने लगता है। बातें करते वक्त विक्टर इस जगह से निकलने का एक प्लान बनाता है। वो एमिली को कहता है कि वो अपने माँ बाप से उसे मिलवाना चाहता है। ये सुनकर एमिली बहुत खुश हो जाती है और विक्टर को एल्डर गोटनैक के पास लेकर आती है, जो इस पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज करता है। एमिली एल्डर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें लैंड ऑफ द लिविंग जाने दे। एल्डर एमिली की बात मान जाता है और कुछ समय के लिए उन्हें लैंड ऑफ द लिविंग भेज देता है। ऊपर आने के बाद विक्टर एमिली को ये कहते हुए चला जाता है कि वो पहले अपनी माँ को उसके बारे में बताएगा और उसके बाद उनसे मिलवाएगा, तब तक के लिए वो जंगल में ही रहे। एमिली उसकी बात मान लेती है। उसके बाद विक्टर पाइप से चढ़ता हुआ विक्टोरिया के पास आता है और जो कुछ सुबह चर्च में हुआ उसके लिए उससे माफ़ी मांगता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो जल्द ही उससे शादी करेगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं, तभी एमिली वहाँ पर आ जाती है और ये देखकर उसे लगता है कि विक्टर ने उसे धोखा दिया है। एमिली विक्टोरिया को बताती है कि विक्टर ने उससे शादी करी है, लेकिन विक्टर उसे बताता है कि मर चुकी है, और इससे पहले विक्टर उसे पूरी बात बताता, एमिली उसको वापस अपने साथ लैंड ऑफ द डेड ले जाती है। जब ये सब बातें विक्टोरिया अपने माँ बाप को बताती है तो कोई भी उसका यकीन नहीं करता। सबको लगता है कि विक्टर के गायब हो जाने से विक्टोरिया पागल हो गई है, और इसीलिए उसके माँ बाप उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी लॉर्ड बैरकिस के साथ तय कर देते हैं, जो दूसरे शहर से विक्टर और विक्टोरिया की शादी की रिहर्सल में आया था। उन्हें लगता है कि लॉर्ड बैरकिस एक रईस इंसान है। दूसरी तरफ विक्टर एमिली को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि वो मर चुकी है, जो शादी हुई वो अनजाने में हुई। ये सुनने के बाद एमिली उदास होकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ विक्टर के माँ बाप विक्टर को पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं, तभी उनकी बग्गी चलाने वाला ड्राइवर मर जाता है, जो सीधा लैंड ऑफ द डेड में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात विक्टर से होती है। वो विक्टर को बताता है कि विक्टोरिया की शादी लॉर्ड बैरकिस से तय कर दी गई है। ये सुनने के बाद विक्टर का दिल टूट जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो एमिली के साथ ठीक तरीके से शादी करेगा। एल्डर उसे बताता है कि उसको दोबारा से एमिली को वचन देने होंगे, और वो भी लैंड ऑफ द लिविंग के चर्च में, जिसके बाद विक्टर को वाइन ऑफ एज पीनी होगी जिसमें जहर मिला होगा, जिसके बाद वो एमिली के साथ हमेशा के लिए बंध जाएगा। विक्टर ये सब बातें मंजूर कर लेता है। सारे मुर्दे मिलकर शादी की तैयारियां करने लगते हैं। दूसरी ओर विक्टोरिया और लॉर्ड बैरकिस की शादी हो चुकी है। सब एक साथ बैठकर वेडिंग फीस्ट का लुफ्त ले रहे होते हैं कि तभी लैंड ऑफ द डेड से सारे मुर्दे ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सारे डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि ये सब मुर्दे उन्हीं के रिश्तेदार थे, तो वो उनसे मिलकर काफी खुश होते हैं। इसी हलचल के बीच लॉर्ड बैरकिस विक्टोरिया को कहता है कि जितना भी पैसा हाथ लगे लेकर चलो। ये सुनकर विक्टोरिया बुरी तरह से चौंक जाती है और लॉर्ड बैरकिस को बताती है कि उसके माँ बाप तो गरीब हैं, वो रईसों की तरह जीना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लॉर्ड बैरकिस से उसकी शादी कराई थी। ये जानकर लॉर्ड बैरकिस हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके शादी करने का मकसद ही पैसा था। लेकिन विक्टोरिया खुश है कि लॉर्ड बैरकिस की असलियत सामने आ गई। विक्टोरिया लॉर्ड बैरकिस को छोड़कर बाहर आ जाती है, जहां वो देखती है कि सारे मुर्दे और इंसान मिलकर चर्च जा रहे हैं।
वो भी उनके साथ चर्च चली जाती है, जहां वो देखती है एमिली और विक्टर शादी कर रहे हैं। विक्टर एमिली को शादी के सारे वचन देता है और वाइन पीने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी एमिली की नज़र विक्टोरिया पर पड़ती है और वो विक्टर को वाइन पीने से रोक देती है। ये देखकर विक्टर हैरान रह जाता है। एमिली उसे कहती है कि कई सालों पहले वो भी विक्टोरिया की तरह दुल्हन बनी थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन विक्टोरिया के साथ ऐसा नहीं होगा। इसके बाद एमिली उन दोनों की शादी करवाती है, लेकिन तभी लॉर्ड बैरकिस वहां आ जाता है और विक्टोरिया को किडनैप कर लेता है। एमिली लॉर्ड बैरकिस को पहचान लेती है, यही एमिली का प्रेमी था। विक्टोरिया को बचाने के लिए विक्टर बैरकिस से लड़ जाता है और विक्टर को बचाने के लिए एमिली बीच में आ जाती है और लॉर्ड बैरकिस को वहां से जाने को बोलती है। अपनी हार मानते हुए लॉर्ड बैरकिस जाते वक्त एमिली का मजाक उड़ाते हुए कहता है, कितने अफसोस की बात है कि सालों पहले भी एमिली की शादी नहीं हुई और ना ही मरने के बाद। और इस बात पर खुश होता हुआ बैरकिस टेबल पर रखा वाइन का गिलास जिसमें जहर मिला था उसको पी जाता है और मर जाता है। इसके बाद वो मुर्दा के रूप में वापस आता है, जिसके बाद सारे मुर्दे मिलकर उसको अपने साथ ले जाते हैं ताकि अब वो किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी ना कर सके। इस तरह एमिली को अपने दर्द से छुटकारा मिलता है। वो विक्टर को उसके वचनों से आजाद करती है और विक्टर को उसकी वेडिंग रिंग वापस करती है और चर्च से बाहर आती है, जहां उस पर चांद की रोशनी पड़ने से वो तितलियों के झुंड में बदल जाती है और आसमान में कहीं खो जाती है। इस तरह एमिली को मुक्ति मिली और विक्टर को उसका प्यार, और यही होता है इस कहानी का अंत।